हेलो एवरीवन, आज का ब्लॉग थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो रहा है। अभी सुबह के बजे है 8:15, और पिछले 3 महीनों में मैं पहली बार इतनी जल्दी उठा हूँ, क्योंकि मुझे जाना है कॉलेज देखने एमसीए के लिए, क्योंकि मेरा बीसीए ख़त्म हो रहा है और मैं डीआईटी से एमसीए करना नहीं चाहता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ कॉलेज देखने, तो आज जल्दी उठना पड़ा। मेरे कुछ दोस्त भी जाएंगे साथ में, तो आज इतना जल्दी उठा हूँ पिछले 3 महीनों में। तो आज मैं ब्रेकफास्ट करूँगा बहुत दिनों के बाद। तो आप लोग को भी दिखाता हूँ कि आज मेरे मेस में क्या बना है। तो पहले मैं ब्रश करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। तो मैं ब्रश कर लिया हूँ और अब चलते हैं मेस रूम, लॉक करते हैं। तो मैं नाश्ता करके आ गया मेस में, फिर था इसलिए वहाँ पे कुछ बोला नहीं और ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाया। तो जो नॉन वेज खाते हैं उसके लिए अंडा होता है, आज ऑमलेट था, और जो वेज खाते हैं उसके लिए कटलेट था। तो मैंने कटलेट लिया था, ब्रेड लिया था, दूध लिया था, और बस अब जा रहे तैयार होने। फिर तैयार होके मिलते हैं आपसे। तो तैयार होके तो हम आ गए हॉस्टल से, कुछ दोस्त लोग का इंतज़ार है, कुछ आ गए हैं जो कैमरा में आने वाले हैं नहीं, कैमरा ही फेस करेंगे नहीं। और मेरे आउटफिट के साथ ब्लैक मास्क भी होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। बहुत हो गया, चलते हैं अब। कैब या बस बुक करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा आउटर पड़ता है ना, तो सुबह सुबह बस मिलेगा नहीं, तो कैब करना पड़ेगा। देखते हैं कि क्या चीज़ से चलना है, अगर बस मिल गया तो थोड़ा ठीक रहेगा, नहीं तो कैब कर लेंगे। हम लोग तो निकल गए हैं अभी, कुछ लोग खाना खा के आए नहीं थे तो गन्ना का जूस पियेंगे। कोकोनट वाटर भी था लेकिन नहीं, सुबह सुबह गन्ना का जूस पियेंगे, एनर्जी लेंगे। खाना खाना होता नहीं है, सुबह सुबह उठा जाता नहीं है लोगों से, और बाद में ये लोग का नाटक होता है कि हम लोग खाना नहीं खाए हैं, पानी नहीं पिए हैं। तो पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो गन्ना का जो जूस पी लिए है, अब कैब बुक करते हैं कि कैब से जाना चाहिए। कैब तो मिला नहीं, बस आ गया, तो बस में ही जाएंगे। ये रहा बस, पीछे से आ रहा है ये, तो वेट करते हैं। चलो बस में तो बैठ गए ये भाई वाला, अच्छा अच्छा तो बस से आने का यही अच्छा होता है कि अच्छा वाइब मिलता है। गाना ऐसा बजा रहा था, लग रहा था जैसे बस ड्राइवर का ब्रेकअप हो गया। तभी हम घंटाघर उतर गए, यहाँ से प्रेमनगर का बस पकड़ना है, उसके बाद कॉलेज। तो अभी देखते हैं प्रेमनगर का बस कहाँ से मिलेगा, उसके बाद कॉलेज पहुँच के दिखाते हैं आपको। ऐसे हम लोग जा रहे हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, जो देहरादून का सबसे बड़ा कॉलेज है, जिसको नैक से A+ ग्रेड मिला है। तो वहीं जा रहे हैं, अभी देखिए कितना टाइम लगता है। और तो हमें प्रेमनगर का बस मिल गया है, अब थोड़ी देर में पहुंचेंगे कॉलेज। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं
उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, ये रहा मेरे पीछे। आगे से दिखाते हैं आप लोग को कैसा है, चलते हैं अंदर पता करते हैं। कॉलेज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, चलते हैं। किस वाले में बोला है? कॉलेज में तो पहुंच गए हैं, रिसेप्शन पे आ गए हैं, मैम आ रही है, देखते क्या होता है, आगे बताएगी डिटेल, मिलते हैं फिर। मैम से तो बात हो गया है, अब जा रहे हैं कॉलेज विजिट करने, देखते हैं कैसा कॉलेज है, आप लोगों को भी दिखाएंगे। अभी तक तो अच्छा लग रहा है, अभी शायद पता नहीं किस पे घुमाएंगे हम लोग को। हमें लगता है इसी पे हम लोग को घुमाया जाएगा, इस पे बग्गी पे। भैया गए हैं चाबी लाने, उसके बाद कॉलेज घूमेंगे हम लोग, इसी पे घूमने जा रहे हैं। बॉयज हॉस्टल का रूम देखने आए थे, तो देखिए रूम कैसा है। रूम वगैरह तो देख लिया, अब मेस जा रहे हैं,
रूम दिखाए नहीं थे क्योंकि वो किसी बच्चे का था तो वो दिखाना सही नहीं लगा। ये मैं बॉज लंच टाइम में कर रही है जाके। ये क्या है? तो काफ़ी अच्छा है, विजिट कर लिए। DIT से तो हमको काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अभी एक दो कॉलेज और देखेंगे, उसके बाद एडमिशन लेंगे। अभी चलते हैं मैम के पास, देखते हैं रजिस्ट्रेशन करके क्या प्रोसेस है और देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए बिल्डिंग तो काफ़ी अच्छा है। हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब जा रहे हैं मैम के पास, फॉर्म जमा कर देंगे, उसका देखते हैं कब तक एडमिशन लेते हैं। चलिए फिर मैम के पास। ऐसे अभी 2-3 कॉलेज और देखना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत तो था नहीं। 1250 लगा, रजिस्ट्रेशन हो गया, चलते हैं मैम के पास। अंदर तो हमने सारा चीज़ प्रोसेस कर लिया, अब निकल गए हैं बाहर जाने के लिए, मतलब DIT यूनिवर्सिटी, बैक टू DIT। चलते हैं DIT, उसके बाद देखते हैं। वहाँ से उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से हम लोग निकल गए थे रजिस्ट्रेशन करा के, लेकिन यूनिवर्सिटी का ये दिक्कत है कि साले ठीक से बताते नहीं है। कॉलेज वाले बड़े वो होते हैं जो आप लोग समझ जाइए। 1250 रुपये रजिस्ट्रेशन के बाद बोलते हैं कि एक सप्ताह का टाइम है, आप लोग मतलब मिनिमम फीस 20,000 रुपये जमा करके रजिस्ट्रेशन कन्फर्म कर सकते हैं। अगर 20,000 एक सप्ताह पर नहीं देंगे तो रजिस्ट्रेशन में भी कैंसिल कर दें। अब ये पहले नहीं बताए थे, अब ये लोग का नाटक रहता है कि अगर 1250 दे दिए उसके बाद बताए कि आप 20,000 दीजिएगा तब आपका एडमिशन कन्फर्म होगा। पहले बता देते तो 1250 नहीं देते। उसके बाद हम लोग आए हैं SGRRM कॉलेज में, दूसरा कॉलेज वहाँ विजिट करते हैं, देखते हैं कैसा है। और मेरा बैटरी भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, तो पता नहीं कितना देर ब्लॉग और कंटिन्यू कर पाऊँगा मैं, देखते हैं। जब तक चलता है चलता है। तो पीछे जो हमारे कॉलेज है, घूम के आ गए हैं, अंदर वीडियो बनाने अच्छा नहीं लगता इसलिए वीडियो अंदर बना रहे थे। कॉलेज अच्छा है, अब देखते हैं कहाँ एडमिशन लेना है। अभी जा रहे हैं DIT यूनिवर्सिटी, रिटर्न बैक टू होम। अभी यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे और देखते हैं अभी कितना देर लगेगा, भूख भी लग गया है, कुछ खाएंगे उसके बाद सोएंगे, क्योंकि आज बहुत जल्दी उठे थे, मतलब 3 महीनों में बहुत बहुत जल्दी उठे थे आज, तो नींद तो बहुत आ रहा, थक भी गए हैं। और कल भी मे भी हो सके तो 2-3 कॉलेज और घूमने जाना है, तो देखते हैं अभी। चलिए मिलते हैं फिर। तो फाइनली हमें बस मिल गई DIT की, तो अभी तो यहाँ पे कौन सा जगह है पता नहीं, कोई तो जगह है घंटा घर के आसपास, तो यहाँ पे बैठ गए, इसका मिलते हैं आपसे DIT पहुँच के, क्योंकि मेरा बैटरी ज़्यादा चार्ज है नहीं। जो सुकून घर पे आके मिलता है ना, वो कहीं नहीं है। इतना दूर घूम के आ गए, जो सुकून यहाँ DIT में मिलता है ना, मज़ा आ जाता है यहाँ के। तो सारा जितना कॉलेज देखना था देख लिए, अब बस एंडिंग पार्ट शूट कर रहे हैं कि ब्लॉग ख़त्म करना है। वैसे ब्लॉग बहुत बड़ा बन गया है, तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि रूम पर जा कर के हम फ़ोन चार्ज करेंगे, कपड़ा धोना है और भी बहुत काम, पहले तो सोएंगे, बहुत नींद आ रहा है। चलिए तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।